आज हम इसी कड़ी का जो हमारी चल रही है कि कई सारे आईएसपी कैसे ओएलटी में इनपुट करें और उनका वीलैन टैगिंग कैसे करें, तो उसी के तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमें ओएलटी में कैसे सर्विस बनाना है और टैगिंग को एक बार दोबारा देखेंगे जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चार्ट मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर ISP 1 2 3 है, यानी ISP 1 को G1 में दिया गया है, ठीक है, डिफॉल्ट वी लाइन पर, और ISP 2 हो उसको G2 फाइबर में दिया गया, इसलिए G2 में लगाया है। और ISP जो 3 हमारा, ये फाइबर नहीं इथरनेट केबल में है, इसलिए इसको G5 में दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा मतलब 3 ISP का सेटअप है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो इस G5 को है इसको हमने VLAN 901 पर लिया है, और G2 को जो हमारा दूसरा ISP इसको VLAN 900 पर लिया है। VLAN आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको इच्छा हो, बशर्ते VLAN थोड़ा सा अगर आप बढ़ा के रखेंगे तो आपको समस्या नहीं, इसलिए 500 600 ऐसे करके ज्यादा में रखें, 2 4 मत रखें, ठीक है। तो अब आपका हुआ क्या कि अब यहाँ पर हमने VLAN यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक रफली है। और अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पर हमारे पॉन पोर्ट है और यहाँ पर मान लीजिए कनेक्शन है, ये सभी हमारे कनेक्शन चल रहे हैं। तो जैसे ISP 1 जो क्लाइंट है, ये ISP 1 यानी कि ये इस वाली ISP 1 का क्लाइंट है, और एक है उसी फाइबर में जुड़ा हुआ ISP 2 का क्लाइंट, और एक है ISP 3 का क्लाइंट। तो हमें करना क्या है कि जैसे मान के चलिए जब ISP 1 चलेगा तो डेटा यहां से आएगा G1 में जाएगा, यहां से इन पॉन पोर्ट के जरिए बाय डिफॉल्ट के जितने होंगे, यानी कि एक आपको ऊपर का है इस क्लाइंट में जाएगा नेट, और ठीक है ऐसे करके नेट आपका जाएगा ISP 1 में, ठीक है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट रखा है, यहां भी डिफॉल्ट है इसलिए डेटा यहां जाएगा। हालांकि ये डेटा अगर और भी डिफॉल्ट आप दो ये बना देते तो फिर कंफ्यूज हो जाता आपका क्लाइंट कि मुझे VLAN मतलब ISP 1 से उठाना है कि ISP 2 से। इसीलिए डिफॉल्ट में सिर्फ एक ही चलाते हैं, ज्यादा नहीं चलाते, नहीं तो ये समस्या आती है, ठीक है, आपके कनेक्शन डिस्कनेक्ट होंगे। इसलिए एक अगर है तो आप डिफॉल्ट में चलाइए, लेकिन अगर एक से ऊपर है तो आप VLAN बनाकर उनको ट्रैक करके चलाइए, आपकी सर्विस स्मूथ चलेगी, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए उसी कोर पर जुड़ा हुआ ISP 2 का क्लाइंट है, तो चूंकि ISP 2 में VLAN हमने 900 दिया है तो हमें इस ISP 2 में भी VLAN 900 को टैग करना पड़ेगा, तभी यहां पर ISP 2 की सर्विस चलेगी। और इसी प्रकार ISP 3 का भी सर्विस के लिए हमें VLAN 901 को टैग करना पड़ेगा। तो मतलब जिस सर्विस को चलाना है तो वहां पर के सभी VLAN आपके वही होंगे सेम जो हमने यहाँ पर बनाया। अगर आपने 400 बनाया है 901 की जगह, तो उस क्लाइंट को देने के लिए आपके VLAN 400 को टैग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक रफली मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हमें इन क्लाइंटों पर VLAN कैसे बनाएंगे, और ये जो हमने VLAN 901 900 ये बनाया है इनको टैग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने एक VLAN बनाया है 900, 900 को हमने दिखाया है कि इसको कैसे आपको टैग करना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जो VLAN 900 है, तो यहां पर हमें इसको चारों पॉन से निकालना है, इसलिए हमने यहां पर चारों पॉन पोर्ट को टैग कर दिया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हमने G8 में इसको इन किया है, ठीक है, 900 VLAN को हमने G8 में इन किया है, तो हमने इसको अनटैग में रखा है, और बाकी सब हमने फॉरबिडन कर दिए हैं। सिंपल सेटिंग है, जिस पोर्ट को आपको टैग कराना हो उनको आप इसी क्रम में लगा देंगे। मान के चलिए G5 को टैग कराना हो तो G5 को यहां पर हम इसको सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो हमारा G5 भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सेटिंग है, आप जो भी VLAN बनाए उसको आप इसी प्रकार से आपको ऐड करना है, चाहे तो आप सभी पोर्ट ऐड कर लें चाहे कुछ छोड़ दें, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतने ही पोर्ट ऐड करिए, क्योंकि जब शुरुआत होती है तब शुरुआत में तो
क्वालिटी आपकी सिंगल रहती है, ठीक है, एक आईएसपी होता है, लेकिन बाद के जब मल्टीपल होते हैं तो इशू होता है। इसलिए आपको जितने जरूरत हो सिर्फ उतना चलाइए। इससे फायदे होता है कि ओएलटी आपकी ज्यादा हीट नहीं होती, क्योंकि सर्विस उसे मैक्सिमम नहीं चलानी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इस 900 वाले को हमने इसको ऐसा बताया कि तुम 900 से इन होगे और इन चारों पॉन पोर्ट से आउट होगे 900 की सर्विस को, हमने सिंपल ये किया है। अब ये 900 का वीलैन से जो भी एसपी है ये और कहीं नहीं जाएगा, उसको सीधा हमने रूट दे दिया कि ऐसे G8 से इंटर हो और इन चारों से निकल आओ, बाकी किसी पॉन पोर्ट या किसी भी अपलिंक डाउनलिंक पोर्ट से उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये है कि हमें ओएलटी को अपलिंक पोर्ट कैसे कॉन्फिगर करना है। तो सबसे पहले हमने देखो पिछले में हमने बी लाइन बनाया और अब हमें पोर्ट भी कॉन्फिगर करना है जिससे कि सर्विस कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो जैसे G1 में तो BSNL चल रहा है बाय डिफॉल्ट में, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। अब आते हैं जैसे मान के चलिए G6, 7, 8 जिसमें भी आपको वीलाइन आपको टैग कराना है जिस पोर्ट से, ठीक है। जैसे 900 है G6 में अगर हमें इंटर करना है, SP2 को इन का किया है तो यहाँ पर इस लिस्ट से 900 सेलेक्ट करना है, वीलाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आपने बना चुके होंगे पिछले, और यहाँ पर फ्लो कंट्रोल और आइसोलेट कर देना है कि ये दूसरे पोर्टों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और इसी प्रकार हम जैसे ISP3 है 901 को हमने किया है, ठीक है, ये भी सेम वैसे ही। और आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर दो बार क्यों किया है 900 को, तो ठीक है, तो ये जो G8 है इसको हमने आउट के लिए किया, ठीक है, यहाँ पर हमने G8 को आउट के लिए किया, इसलिए हमें यहाँ पर एयर फाइबर चलाना है, तो उसी ओएलटी से G8 को हमने आउट कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये सेटिंग रखना है ओएलटी के अपलिंक पोर्ट के लिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ONU या ONT में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसके लिए आप ONU की लिस्ट ओपन करें, लिस्ट से उस ONU को खोले और कॉन्फ़िगर में जाना है आपको, और वहां जाने के बाद आपको ऐसा एक ऊपर ये आएगी लिस्ट, तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि आपको आना है वैन पर। जब वैन पर आएंगे तो आपको ऐसा एक पेज दिखेगा सर्विस ऐड करने के लिए, तो वहां पर मोड को करना है राउट IP version 4। यहाँ पर कनेक्ट मोड में कई सारे ऑप्शन आते हैं, डायनेमिक PPOE, तो यहाँ पर करना है PPPOE, और यहाँ पर जो भी PPOE का आपका ISP का यूजर नेम पासवर्ड है वो डालना है। इसके बाद आना है आपको VLAN पर, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बंद होता है, तो इसको उठाना है टैग, और यहाँ पर जिस ISP की सर्विस आप चलाना चाहते हैं तो आप उस ISP का VLAN ID डाल देना है, जैसे कि 900 है हमारे केस में, VLAN कॉस्ट 0 रहता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर पोर्ट बाइंड करना पड़ेगा कि इस सर्विस के लिए किस किस पोर्ट से इंटरनेट आउट हो ONT में, ठीक है। ONT में जो SSID का मतलब ये वाईफाई से भी आउट होगा, और लाइन का मतलब OLT जो हमारी ONT है, इसमें दो पोर्ट हैं Line 1 Line 2, तो दोनों से आउट हो, तो यहाँ पर टिक करके करना है ऐड। तो दोस्तों सिंपल से इतना आपको काम करना है तो वो सर्विस आपकी उस ONT में चल जाएगी। दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, हो सकता है आपका ONU इस ONT से सर्विस बनाने के लिए सपोर्ट ना कर रहा हो, तो आपको सिंपली डायरेक्ट भी जाकर ONU को ओपन करिए और ये सेटिंग आप कर सकते हैं। हो सकता है सेटिंग कुछ डिफरेंस हो अलग अलग ब्रांड में, लेकिन बेसिक सेटिंग आपको यही रखना है। ये मैंने बताया है कि ओएलटी के थ्रू ही सर्विस मैंने बना के आपको बताया है कि इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कमेंट करिएगा तो मैं ONT में कैसे बनाएंगे उसका एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये जो बना है अगर इतना आप कर देंगे तो ऑटोमेटिक ONT में सर्विस बन जाएगी और सर्विस चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, और आशा करता हूँ वीडियो आया होगा पसंद आपको। अगर और भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो ये था वीडियो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।